प्रदेश राजर्षी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। स्कूल ऑफ साइंसेस से मैं डॉक्टर दीपा चौबे, आज मैं आपको UGZY 102 डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ के बारे में डिटेल बताऊंगी। इस पूरे SLM को 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पहले ब्लॉक में 2 यूनिट्स हैं, दूसरे ब्लॉक में 5 यूनिट्स हैं और तीसरे ब्लॉक में 3 यूनिट्स रखी गई है, टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो एक एक यूनिट्स आपको अलग अलग लेक्चर्स में बताया जाएगा। हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ, जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें क्या एम है, इस कोर्स को पढ़ने से स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली डाइवर्सिटी क्या है, विविधताएं क्या होती हैं, कि एनिमल्स को शेप है, साइज है, उसका ईटिंग बिहेवियर है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है एंड जेनेटिक बिहेवियर, इन सभी में वेरिएशंस पाए जाते हैं। हर एनिमल्स में अलग अलग कैटेगरीज होती है, सबके लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होते हैं। हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में रखें, बिहेवियरल के बेस पे हम अलग अलग कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज, इस तरीके से हम इसमें डिवीज़न रखते हैं। अब आप देखिए ब्लॉक, पहला ब्लॉक जो है, पहले ब्लॉक में 2 यूनिट्स रखी है। फर्स्ट यूनिट है जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे, और दूसरी यूनिट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाजोआ। बेसिकली अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो बॉडी में 3 लेवल्स, इसमें हम आपको जब ये यूनिट बताएंगे तो इसमें आपको डिटेल बताएंगे कि सेलुलर लेवल क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। इसके साथ साथ सिमेट्री, स्फेरिकल, रेडियल, बाई रेडियल के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। इसके बाद हम ब्लॉक 2 की बात अगर करते हैं तो ब्लॉक 2 कंपरेटिव फॉर्म्स एंड फंक्शंस 2, इसमें आपकी 5 यूनिट हैं। यूनिट थ्री में जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पोरीफेरा, नीडेरिया, इनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस एंड नीमेटोडा के बारे में बताएंगे। नीमेटोडा बेसिकली क्या है, ये स्यूडोसेलोमेट्स होते हैं। यूनिट 4 में जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का एंड लार्वल फॉर्म्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया जाएगा। अगर हम देखें इसमें एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में क्या होता है, ट्रू सेगमेंटेशन होता है, यानी मेटामेरिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। आर्थोपोडा को देखें तो आर्थोपोडा में हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, बॉडी का डिवीज़न होता है इस तरीके से। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी रहते हैं, एक्वेटिक फॉर्म में भी रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम ले लें पायला का, तो पायला में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो वो एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं लार्वल फॉर्म्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, लार्वल फॉर्म्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा में आप स्टडी करेंगे डाइप्लूरा लार्वा क्या होता है, बाइपिनेरिया लार्वा क्या होता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के लार्वल फॉर्म्स की स्टडी इकाइनोडर्मेटा में करेंगे। यूनिट फाइव में कंपरेटिव फॉर्म्स एंड फंक्शंस, लोकोमोशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको तीनों का, लोकोमोशन का, डाइजेशन का और एक्सक्रीशन का, तीनों सिस्टम में आप कंपरेटिव फॉर्म्स देखेंगे। जैसे कि लोकोमोशन में देखेंगे किसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट है, जैसे आप अगर अमीबा में देखें तो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। इस तरह से डिफरेंट आप पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा से लेकर के मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक आप लोकोमोटरी ऑर्गन का कंपरेटिव फॉर्म्स देखेंगे। डाइजेशन की बात करें इसी तरह से कंपरेटिव फॉर्म में आप डाइजेशन देखेंगे। एक्सक्रीशन की बात अगर हम करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ द नेफ्रीडिया, किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है एनिमल्स में, तो ये पूरा आपको कंपरेटिव स्टडी इसमें करना है।
यूनिट सिक्स की बात अगर हम करते हैं तो यूनिट सिक्स में आप देखेंगे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम। इसमें भी कंपरेटिव स्टडी करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखेंगे जैसे गिल क्या होते हैं, बुक लंग्स क्या होते हैं, ट्रेकिया क्या होते हैं, किस किस एनिमल्स में गिल्स पाए जाते हैं, किस एनिमल्स में बुक लंग्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम जैसे प्लैटी हेलमिंथिस का कैसा होता है, एनीलीडा का कैसा होता है, आर्थ्रोपोडा का कैसा होता है, तो इस तरीके से आप कंपरेटिव फॉर्म्स में स्टडी करेंगे। यूनिट सेवन की बात करें तो यूनिट सेवन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, दो तरीके से रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होता है, और सेक्सुअल किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन, जब ये यूनिट आपको बताया जाएगा तो इसमें आपको डिटेल स्टडी की जाएगी। अब इसके बाद तीसरे ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड ब्लॉक में एडॉप्टेशन एंड बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में है। इसमें तीन यूनिट्स रखी गई है, यूनिट आठ, यूनिट नौ और यूनिट दस। यूनिट आठ एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन में जैसे प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ का एडॉप्टिव रेडिएशन, एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। यूनिट नाइन बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न में आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट्स के बारे में देखेंगे, जैसे प्रोडक्शन ऑफ द हनी, सिल्क प्रोडक्शन, स्पंज प्रोडक्शन, पर्ल प्रोडक्शन, डाइज क्या होता है, तो आप ये सारी चीज़ें यूनिट नाइन में स्टडी करेंगे। और यूनिट टेन की बात करें तो यूनिट टेन में आप हार्मफुल एंड बेनिफिशियल नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल में आप देखेंगे कि जैसे पैरासिटिक प्लैटी हेलमिंथिस क्या होते हैं, पैरासिटिक नेमेटोड्स क्या होते हैं, और बेनिफिशियल में अगर देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्थ्रोपोडा अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में, सॉयल फर्टिलिटी में क्या इसका यूज़ है, तो इसके बारे में पूरा आप डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से पूरे SLM को तीन ब्लॉक में डिवाइड किया है, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री, और टोटल यूनिट आपकी इसमें 10 यूनिट है। अब हम आते हैं यूनिट वन पे। तो यूनिट वन में अभी हमने आपको बताया कि यूनिट वन में जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द प्रोटोजोआ है, जिसमें आप सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे। ए सेलुलर एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव साइज, साइज में बहुत छोटे, और यूकैरियोट्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर इन साइज के होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आप हायर एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जनरल करेक्टर्स में देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरा लोकोमोशन के लिए इसमें स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया और मायोनीम्स प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी होता है, होलोफिटिक और एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशंस, होलोजोइक टाइप ऑफ का न्यूट्रिशन पाया जाता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशंस ऑकर थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशंस ऑकर थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, रिप्रोडक्शन इज जनरली एसेक्सुअल ऑकरिंग बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग।
तीन तरीके से होगा रिप्रोडक्शंस, या तो बाइनरी फिजन होगा, या मल्टीपल फिजन होगा, या बडिंग की हेल्प से होता है। तो ये प्रोटोजोआ का जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब देखिए प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशंस देखते हैं, होलोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये प्लांट लाइक होते हैं। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल लाइक, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन क्या है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन क्या है कि फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, फर्स्ट फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन क्या बताया हमने आपको, होलोफिटिक न्यूट्रिशन प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशंस एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन है जिसमें फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, डीके ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। और पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, इसके साथ साथ आप देख लीजिए रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। रिप्रोडक्शंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शंस, दो तरह के रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन एंड सिनगेमी, दो तरीके से है इसमें रिप्रोडक्शंस। बाइनरी फिजन क्या है, जब सिंगल मदर सेल से दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स बनती हैं तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियस जो होते हैं एलोंगेट हो जाते हैं, और एलोंगेट होने के बाद दो में डिवाइड होते हैं, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, उसके बाद ही बॉडी का डिवीजन होता है। मल्टीपल फिजन में क्या है, सिंगल मदर सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं। बडिंग में क्या होता है कि न्यू बर्ड फॉर्म होता है, कहाँ से, पेरेंट बॉडी से। जैसे आपने हाइड्रा वगैरह में भी देखा होगा कि हाइड्रा में बडिंग होती है और वो बर्ड होकर आगे चल करके न्यू जनरेशंस को फॉर्म करती है। तो न्यू बर्ड इज फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन देखेंगे और सिनगेमी देखेंगे। कॉन्जुगेशंस में, कॉन्जुगेशंस बेसिकली क्या है कि टेम्प्रोरी फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। दो कॉन्जुगेंट होते हैं, और इसका आपको पूरी लाइफ साइकिल इसमें अभी आपको बताना नहीं है, इसलिए हम आपको सिंपल थोड़ा सा एक लाइन की डेफिनेशंस बता दे रहे हैं कि टेम्प्रोरी फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स। सिनगेमी क्या होता है, सिनगेमी में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इट इज अ परमानेंट फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स। आइए नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। अब प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। दो सब फाइलम में पहला है प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा सब फाइलम है सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सार्कोडाइनी, मैस्टिगोफोरा, ओपेलिनाटा एंड स्पोरोजोआ। फोर क्लासेस हैं इसकी। एक एक क्लास के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। सार्कोडेना, सार्कोडाइनी में इसका एग्जांपल है अमीबा। अब अमीबा की अगर बात करें, अगर आपको एग्जांपल पता है तो वैसे भी आप जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में आपको पता होगा। अमीबा में क्या चीज़ें होती हैं, अब ये जो पूरा बेस है, एक चीज़ और समझ लीजिए क्लासीफिकेशन का, प्रोटोजोआ में जो क्लासीफिकेशन का बेस है वो किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे, लोकोमोटरी सिस्टम, लोकोमोशंस के स्पेस का डिवीजन हुआ है। अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है। बेसिकली इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता लोकोमोशंस का, एक
लोकोमोशन क्या होता है, इसमें फूड कैप्चरिंग का काम करते हैं। न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अभी हमने आपको बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि पहले ये किसी इनगल्फ का काम करते हैं या इंजेशन का काम करते हैं, उसके बाद वो डाइजेशन का काम करते हैं। तो इसका न्यूट्रिशन अमीबा का होलोजोइक होता है। और अगर इसमें देखें अमीबा में तो सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस सिंगल होता है। और रिप्रोडक्शन इसका बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, दो तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हमने आपको बताया न्यूक्लियस की पोजीशन सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लोकोमोशन के लिए स्यूडो पोडिया प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होता है। और रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैस्टिगोफोरा की, तो मैस्टिगोफोरा एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, लीशमानिया, ट्रेपेनोसोमा। मैस्टिगोफोरा में भी जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा न्यूक्लियस होता है, सिंगल। यूग्लिना में आपको पता है कि क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इस जैसे आपने इसमें देखा ना कि लोकोमोशंस के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, इसी तरह से अगर यूग्लिना की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। और न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन इसमें दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, जिसमें कि आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक, दोनों तरह के न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए यूग्लिना में मिक्सो टाइप का न्यूट्रिशन कहा जाता है, ऑटो एंड हेट्रो, ऑटो प्लस हेट्रो। ऑटो टाइप न्यूट्रिशन अभी हमने आपको बताया डिटेल कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेट्रो न्यूट्रिशंस में दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जब सनलाइट नहीं होता तो ये अपना किसी दूसरे एनिमल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड लेते हैं। तो जिसमें ऑटो एंड हेट्रो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है आपका यूग्लिना में, इसलिए इसको कहते हैं मिक्सो टाइप न्यूट्रिशन। तीसरा हम देखते हैं ओपेलिनाटा, ओपेलिनाटा इसका एग्जांपल है। इसमें सीलिया लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रिशन इसका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हैं, फूड लेते हैं। और न्यूक्लियस इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर स्पोरोजोआ की बात करें तो स्पोरोजोआ के एग्जांपल है मोनोसिस्टिस प्लाज्मोडियम। इसमें बॉडी थिक पेलिकल से कवर्ड होती है, बॉडी इसमें थिक पेलिकल से। एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक अंतर और है, मैस्टिगोफोरा में जो बॉडी होती है वो थिन पेलिकल से कवर्ड होती है, और स्पोरोजोआ की जो बॉडी होती है वो थिक पेलिकल से कवर्ड होती है।
और इसके साथ साथ अगर हम लोकोमोशंस की बात करें तो इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। स्पोरोजोआ में किसी भी तरह का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये पैरासिटिक होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैरासिटिक होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शंस मल्टीपल फिजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरीके से चारों क्लास को आइडेंटिफाई किया गया है। सिंगल न्यूक्लियस सार्कोडाइनी, मैस्टिगोफोरा सिंगल न्यूक्लियस, ओपेलाइना मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में न्यूक्लियस कैसा होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है और न्यूट्रिशन पैरासिटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, अब अभी हम बात कर रहे थे प्लाज्मोड्रोमा। तो ये चीज़ अभी हम वैसे आपको डिटेल बता चुके हैं कि लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला, न्यूक्लियस सिंगल और मैनी, न्यूक्लियस सिंगल और मैनी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ये हम आपको डिटेल बता चुके हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिनगेमी, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मे बी सीन इन लाइफ साइकिल। सीलियोफोरा की बात करें अगर, तो सीलियोफोरा में नेक्स्ट है सीलियोफोरा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कॉम्प्लेक्स होता है, लोकोमोशन बाय सीलिया, न्यूक्लियाई। इसमें दो तरीके के, इसकी खास बात होती है सीलियोफोरा की कि इसमें दो तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दो तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। बाकी आपने देखा किस तरह से न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन सीलियोफोरा में जैसे आप पैरामीशियम का अगर एग्जांपल ले लें तो पैरामीशियम में भी आप देखेंगे कि दो तरह से न्यूक्लियस होता है, मेगा एंड माइक्रो। तो जो इसका माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है। और जो मेगा न्यूक्लियस होता है वो उसका वेजिटेटिव फेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइए एक एक डायग्राम देखते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ में जैसे हमने आपको अभी अमीबा के बारे में बता रहे थे, तो अमीबा में देखिए स्यूडोपोडिया की बात किए ना कि स्यूडोपोड्स या स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, इसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इस तरह से ना कि जैसे साइटोप्लाज्म मूव करता है, साइटोप्लाज्म के मूव करने की वजह से पोडिया मूव करता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स फीट, झूठे पैर इसके होते हैं, उसकी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई। देखिए न्यूक्लियस की पोजीशन, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है दो तरीके से होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। दूसरा अगर हम देखें तो सेकेंड आप एग्जाम्पल देखें लीशमानिया डोनोवेनाई। लीशमानिया में दो फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ए मैस्टिगोट फॉर्म एंड प्रो मैस्टिगोट फॉर्म। ए मैस्टिगोट फॉर्म में क्या चीज आपको दिख रहा है कि फ्लैजिला नहीं है, है ना? ये फ्लैजिलम आपको प्रो मैस्टिगोट फॉर्म में फ्लैजिलम दिखता है और ए मैस्टिगोट फॉर्म में फ्लैजिलम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओपेलाइना, ओपेलाइना अभी हमने आपको बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में होता है और इसके साथ साथ इसमें मायोट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट
मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस के बारे में आप देखिए कि मोनोसिस्टिस में दो, इसमें भी दो फॉर्म दिखाई देते हैं, एक इसका यंग स्टेज और दूसरा इसका मैच्योर स्टेज। जो यंग स्टेज ट्रोफोजॉइट्स हैं इसमें स्पर्म टेल प्रेजेंट होती है, जबकि मैच्योर स्टेज में आपको स्पर्म टेल नहीं दिखाई देती है। और मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स जो होता है इसका फीडिंग स्टेज कहलाता है, या एडल्ट स्टेज को हम इसके फीडिंग स्टेज कहते हैं। और इस ये जो होते हैं सिंगल होस्ट होते हैं, इसमें मोनोजेनेटिक होते हैं, सिंगल होस्ट होते हैं। और सिंगल होस्ट ऑफ मोनोसाइट्स इज द क्या होता है इसका, अर्थवॉर्म होता है। लाइफ साइकिल आपको इसकी डिटेल पढ़नी नहीं है, सिर्फ आप डायग्राम इसका देखिए कि किस तरीके से ये होते हैं। अब इसके बाद सीलियोफोरा, सीलियोफोरा में जैसे ये बैलेंटीडियम है, और बैलेंटीडियम के साथ साथ आपने देखा होगा, एक एग्जांपल पढ़ते होंगे पैरामीशियम की, पूरी बॉडी में इसमें सीलिया पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के बारे में भी हमने आपको बताया, मेगा न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है। मेगा न्यूक्लियस बीन शेप स्ट्रक्चर है, उसके साथ ही माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्टोप्लाज्म है बाहर की तरफ, इसमें एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म के साथ साथ इसमें साइटोपाइस प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली, ये स्ट्रक्चर किसका है, बैलेंटीडियम का है, सीलिया के बारे में बताया। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर हम बात करें, अभी आपको हमने बताया सीलिया और फ्लैजिला, इसके पहले आप ये देखिए कि सीलिया और फ्लैजिला होते किस तरीके से हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। इसमें 9+2 फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। 9 जो होता है पेरिफेरल फाइब्रिल्स होता है, जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है। ये इस तरीके से, एक दो तीन चार पांच, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में 2 प्रेजेंट होते हैं। तो इसका रेशियो क्या होता है, 9+2, ये होता है एक्सोनिमी, फाइब्रिल हो गए। बीच में ये होते हैं स्पाइक से, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये होता है सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। बाहर से देखने में आपको छोटे छोटे साइज में इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला नंबर में कम होता है, या तो बड़े साइज का होगा या छोटे साइज का होगा। तो सीलिया और फ्लैजिला में दूसरा डिफरेंस अगर देखें तो सीलिया क्या करते हैं कि फूड को कैप्चर करने के काम में आता है। जैसे आप पैरामीशियम में भी देखेंगे कि सीलिया फूड को कैप्चर करता है, और फ्लैजिला की वजह से क्या होती है कि एनिमल्स की पूरी बॉडी मूव करती रहती है। तो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में आपने डिटेल देखा। अब इसके साथ साथ अब आप देखिए कि सीलिया, एक अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है, या अब आप देखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एंट अमीबा हिस्ट्रोलिट का अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, कि अमीबा की वजह से जो अमीबिक डिसेंट्री बनती है इसमें मोशन के साथ साथ
म्यूकस के साथ में ब्लड आना हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा अगर फ्लैजिला के बारे में देखिए, तो फ्लैजिला भी हमने आपको पूरा बताया डिटेल के, फ्लैजिला का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन के काम में होते हैं। न्यूट्रिशन दो तरीके से है, होलोफेटिक न्यूट्रिशन है, सैब्रोफेटिक न्यूट्रिशन है। फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, डेड एंड डी के चीज़ों ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड लेते हैं। सीलिया के बारे में अभी हमने आपको डिटेल बताया कि सीलिया फ्लैजिला में बेसिकली क्या अंतर होता है। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी आपको डिटेल बता चुके हैं, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग में एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें एसेक्सुअल फेज लीवर सेल और RBC ऑफ द ह्यूमन बींग्स में होता है, और सेक्सुअल फेज इसका स्पोरोगोनी इन द स्टमक कैविटी एंड स्टमक वॉल ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज में होता है। बेसिकली इसमें जब आप पूरा इसका डिटेल लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज़ पता होना चाहिए कि अभी हमने शुरू में आपको बताया कि जैसे प्लाज्मोडियम है तो दो तरीके से लाइफ साइकिल चलती है इसमें, एसेक्सुअल फेज में भी चलती है और सेक्सुअल फेज में भी चलती है, उसी को हमने दो लाइन में यहाँ पे मेंशन किया है। अब मूवमेंट की बात करें, अमीबॉइड मूवमेंट है। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है कि जैसे स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, स्यूडोपोडिया की वजह से इनमें मूवमेंट होता है। स्विमिंग क्या होते हैं, स्विमिंग जैसे फ्लैजिला है, फ्लैजिलेट्स हैं, सीलिया है, ये स्विमिंग के काम आते हैं एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में। ग्लाइडिंग है, क्या होते हैं ग्लाइडिंग, बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मायोनीम्स हैं। अब आ जाइए समरी पे। समरी में आप देखिए प्रोकैरियोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रस बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, व्हाइल यूकैरियोट्स बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिक डिफरेंस हमने आपको शुरू में बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं सर, और जो यूकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्स और मेटाजोआ क्या होते हैं, मैनी सेल्स से बने होते हैं, या प्रोटोजोआ को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिसेलुलर होते हैं, और मेटाजोआ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, मायोनीम्स, ये डिटेल हम आपको बता चुके। न्यूट्रिशन होलोफेटिक होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है, अलग अलग टाइप से न्यूट्रिशन है, सैप्रोफेटिक भी हैं, कुछ पैरासिटिक भी हैं। इसके बाद दो ग्रुप में डिवाइड किया है, प्लाज्मोड्रोमा एंड सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा में चार क्लासेस हैं, चारों आपको डिटेल बताई गई हैं। सीलियोफोरा की एक क्लास है, उसको भी आपको डिटेल जैसे अभी पैरामीशियम पर एग्जाम्पल दे के आपको डिटेल बताया गया है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स ऑफ द प्रोटोजोआ आर स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया एंड मायोनीम्स। तो ये इसकी टोटल समरी हुई। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे सीलिया फ्लैजिला में हमने आपको बताया कि इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है कि जो अगर हम देखें स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन का, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में, जो पहले हमने आपको बताया उसके साथ साथ पहले ये चीज होनी चाहिए आपको पता कि साइटोस्केलेटन में तीन पार्ट हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बीच में इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है ट्यूबुलिन।
शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि सीलिया और फ्लैजिला में किस टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। थोड़ा सा समझने के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि जो इंटरमीडिएट होता है ये कैरेटिन प्रोटीन होता है, और माइक्रोफिलामेंट आप पढ़े होंगे पिछला कि ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में काम आता है। एक चीज और यहां पे समझिए, स्यूडोपोडिया के बारे में हमने आपको बताया कि स्यूडोपोडिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। स्यूडोपोडिया ये हमने अभी आपको डिटेल बताया। देखिए लोकोमोशंस में पहला, इसका अगर डिफरेंट टाइप्स देखा जाए तो पहला टाइप होता है लोबोपोडियम, सेकेंड होता है फेलोपोडियम, और थर्ड टाइप होता है इसका रेटिकुलो, रेटिकुलोपोडियम, और फोर्थ है इसका एक्सोपोडियम। तो चार तरीके के होते हैं स्यूडोपोडिया भी, लोपोपोडियम, फेलोपोडियम, रेटिकुलोपोडियम एंड एक्सोपोडियम। लोपोपोडियम क्या होते हैं, लोपोपोडियम जैसे अमीबा, अमीबा में आपने देखा कि किस तरीके से होता है स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, ये होते हैं फिंगर लाइक। जैसे अगर हम ये एग्जांपल बना दें, इरेगुलर शेप है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये है इसका स्यूडोपोडिया, ठीक है। दूसरा अगर हम फिलोपोडिया की बात करें तो फिलोपोडिया में ये सिलेंडर एंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलोपोडिया ये भी थ्रेड लाइक होते हैं, लेकिन थ्रेड इसमें क्या होता है, फ्यूज होकर के एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और एक्सोपोडियम क्या होते हैं, ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम देखें इस तरीके से, यहीं पे हम डायग्राम बना रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके से स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है आपका एक्सोपोडियम। तो हो गए ये स्यूडोपोडिया के डिफरेंट टाइप्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द प्रोटोजोआ। तो आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए। थैंक यू। थैंक यू।